गंदी सी गली में रहने वाली एक ऐसी फैमिली जिसे ना तो बाहर निकलने की इजाजत थी और ना ही व्यापार करने की छूट। 12 साल की उम्र में माँ बाप की मौत की वजह से जिन्हें गली गली भटकना पड़ा। कुछ ही सालों में वही परिवार इतना अमीर हो जाता है कि वो ब्रिटेन जैसी सुपर पावर को वॉर के लिए फंडिंग करने लगता है। एक वक्त इसी फैमिली ने कई देशों को डूबने से भी बचाया हुआ है। इवन अभी की बात करें तो आज इनके पास 1800 से भी ज्यादा मैंसन्स हैं और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड जर्मनी जैसे देशों में इन्होंने एक बड़ा डोमिनेंस बना रखा है। लेकिन कमाल की बात ये है कि इस फैमिली के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। इवन इस फैमिली के किसी भी मेंबर का नाम फोर्ब्स के रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में कभी नहीं आती। असल में ये कहानी है द रॉथचाइल्ड फैमिली की, जो कभी जर्मनी की एक गंदी सी बस्ती में रहा करती थी। एंड आई एम श्योर आप भी इस फैमिली के बारे में पहली बार ही सुन रहे होंगे, लेकिन पिछले 200 सालों से ये अलग अलग इंडस्ट्रीज की टॉप कंपनीज को कंट्रोल कर रही हैं और आज इनकी नेट वैल्यू 20 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। पर सवाल ये उठता है कि गरीबी से निकलकर कैसे इस परिवार ने इतनी बड़ी लेगेसी को खड़ा किया और आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये लोग पूरी दुनिया से छिपे रहते हैं। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, दुनिया की इस रिचेस्ट फैमिली की कहानी शुरू होती है 23 फरवरी 1744 को, जब फ्रैंकफर्ट जर्मनी की एक ज्यूइश फैमिली में मेयर एम्सेल रॉथचाइल्ड का जन्म होता है। उस समय यूरोपियन सिविलाइजेशन में पॉलिटिक्स को सबसे ऊपर माना जाता था, जिसके शिकार होते थे ज्यूइश लोग, क्योंकि वहाँ पर एक परसेप्शन बन चुका था कि जो लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते वो सभी लोग सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हैं। इस परसेप्शन की वजह से ज्यूइश लोगों पर इतना अत्याचार हुआ कि ये सभी लोग सिमटकर फ्रैंकफर्ट के जुडन गैस नामक एक छोटी सी गली में रहने लगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटी सी तंग गली में 3000 से भी ज्यादा ज्यूइश रेसिडेंट्स रहा करते थे। मेयर एम्सेल रॉथचाइल्ड अपने परिवार के 30 लोगों के साथ इसी गली के अंदर एक 11 फीट चौड़े घर में रहा करते थे। मेयर एम्सेल के पिता एम्सेल मोजेस रॉथचाइल्ड गुड्स ट्रेडिंग और करेंसी एक्सचेंज का बिजनेस किया करते थे। साथ ही वो यूरोपियन डायनेस्टी प्रिंस ऑफ हेस के लिए क्वाइंस के पर्सनल सप्लायर के रूप में काम करते थे। उस समय ज्यूइश के पास बिजनेस के कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में इन्हें फलने फूलने नहीं दिया जाता था, एक्सेप्ट वन इंडस्ट्री, जो था पैसा। अब वो चाहे करेंसी एक्सचेंज हो, मनी लैंडिंग हो या कॉइन सप्लाई, पैसे से रिलेटेड बिजनेसेस को क्रिश्चियंस बहुत बड़ा अपराध मानते थे। इसलिए ज्यूइश लोगों को इस बिजनेस में करियर बनाने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिल चुका था, जिससे वो इसमें एक्सपर्ट होते चले गए। एम्सेल का व्यापार भी बहुत ही अच्छा चल रहा था और उनका परिवार अब एक बेहतर लाइफ गुजारने लगा था। लेकिन साल 1755 में स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक की वजह से एम्सेल मोसेस रॉथचाइल्ड का मौत हो गया। उस समय उनकी उम्र मात्र 44 साल की थी। पिता के इस अचानक मौत से मेयर एम्सेल रॉथचाइल्ड और उनके भाइयों पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। लेकिन ये उनके दुखों का अंत नहीं था, क्योंकि पिता की मौत के एक साल बाद उनकी माँ ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था। उस समय मेयर रॉथचाइल्ड की उम्र मात्र 12 साल की थी और वो येशिवा नाम के एक ट्रेडिशनल ज्यूइश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा करते थे। लेकिन पेरेंट्स के मौत के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अब वो अपने रिश्तेदारों के पास रहने लगे थे। कुछ समय बाद इनके रिलेटिव्स ने इन्हें जर्मनी के एक दूसरे शहर हैनोवर में भेज दिया था, ताकि वहाँ एक ज्यूइश बैंकिंग हाउस सीमन वॉल्फ ओपेनहाइमर में काम करके ये अपना खुद का खर्च उठा सके। एक 12 साल के बच्चे के लिए ये वक्त बहुत ही स्ट्रगलिंग था, लेकिन यही जॉब इनके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर काम करते हुए इन्होंने फॉरेन ट्रेड एंड फाइनेंस के बारे में जानकारी हासिल की। साथ ही एंशियंट रोम में पाए जाने वाले रेयर क्वाइंस के बारे में सीखा। रेयर क्वाइंस मतलब हिस्टोरिकल एंड वेरी ओल्ड क्वाइंस, जो लुप्त होने की कगार पर होते हैं और रेयर होने की वजह से इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लगभग 6 साल यहाँ पर काम करने के बाद मेयर अपने भाइयों के पास फ्रैंकफर्ट वापस लौटने का फैसला करते हैं और 1763 में एट द एज ऑफ 19 ये अपने शहर वापस लौट जाते हैं। यहाँ आकर इन्होंने रेयर क्वाइन में ही डील करना शुरू कर दिया था, जिसमें उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट होने लगा और वो धीरे धीरे अपने इलाके के अमीर लोगों में गिने जाने लगे थे। कुछ ही समय में ये यूरोप की सबसे बड़ी रॉयल फैमिली के साथ काम करने लगे और ये क्राउन प्रिंस विल्हेम ऑफ हेस के भरोसेमंद लोगों में से एक बन चुके थे। इन दोनों के बीच एक अच्छा व्यापारिक संबंध बन चुका था, जिससे मेयर उनकी सारी वेल्थ और फाइनेंसेस को भी मैनेज करने लगे। इसी दौरान मेयर ने एक छोटी सी स्ट्रेटजी से अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ा लिया था और वो स्ट्रेटजी थी गोल्ड खरीदना। दोस्तों, होता कुछ यूं था कि जब भी प्रिंस विल्हेम सोना खरीदने के बारे में विचार करते थे तो मेयर ऑलरेडी खूब सारा सोना खरीद कर बैठ जाते थे। बाद में जब मार्केट में ये खबर पहुंचती थी कि प्रिंस बड़े अमाउंट में गोल्ड खरीदने वाले हैं, तो अचानक से उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता था।
और उसी वक्त मेयर अपने सोने को बेचकर खूब सारा प्रॉफिट कमा लेते थे। मेयर रॉथचाइल्ड का ये बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ा और उनके पास अब काफी पैसे भी जमा हो चुके थे, जिसके बाद किसी ने उन्हें आइडिया दिया कि आप इन पैसों को ब्याज पर क्यों नहीं देते, इसके बदले में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये आइडिया मेयर रॉथचाइल्ड को काफी ज्यादा पसंद आया, जिसके बाद उन्होंने लोगों को उधार देना भी शुरू कर दिया था। लेकिन उनसे उधार लेने वाले ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, बल्कि ये राजा महाराजा और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। इस तरह से शुरुआत हुई एक नए बैंकिंग सिस्टम की और धीरे धीरे ये रॉथचाइल्ड का मेन बिजनेस बन चुका था। साल 1770 में मेयर ने गडल स्नैपर नाम की एक महिला से शादी कर ली, जो एक मनी एक्सचेंजर की बेटी थी। कुछ सालों के अंदर उनके 10 बच्चे हो जाते हैं, जिनमें 5 बेटे और 5 बेटियां थी। इसके बाद आता है साल 1785, जब मेयर जुडनगेस की तंग गलियों से निकलकर एक बड़े और हवादार घर में सांस लेने की सोचते हैं और एक बड़े से 5 मंजिला बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें जर्मन अमेरिकन बैंकर और बिजनेसमैन जैकोब स्किप की फैमिली रहा करती थी। इस बिल्डिंग को ग्रीन सील्ड हाउस के नाम से जाना जाता था। मेयर रॉथचाइल्ड अपने बेटों को बचपन से ही मनी क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन के बारे में सिखाया करते थे। जब वही बच्चे थोड़े बड़े हुए तो जर्मनी के अंदर इनका बैंक एक बहुत बड़ा लेंडर बन चुका था। इसी दौरान इन्होंने अपने इस व्यापार को दुनिया के दूसरे देशों में फैलाने का सोचा, जिसके लिए इन्होंने अपने बेटों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया। मेयर का पहला बच्चा एम्शेल फ्रैंकफर्ट में ही रुक जाता है, वहीं उन्होंने दूसरे बच्चे सोलोमन को वियना भेज दिया, चौथे बच्चे कार्ल को नेपल्स और पांचवे बच्चे जैकोब को पेरिस, जिन्हें जेम्स के नाम से भी जाना जाता है। इन पांचों बेटों में मेयर का तीसरा बेटा नेथन रॉथचाइल्ड बहुत ही ज्यादा चालाक था। इस तरह से 1798 में 21 साल का नेथन रॉथचाइल्ड एक खास मकसद के साथ लंदन के लिए रवाना हो जाता है और वहां जाकर अपने पिता से भी बड़ा बैंक ओपन कर लेता है। लेकिन मेयर ने लंदन के लिए अपने सबसे चालाक बेटे को ही क्यों चुना और कैसे इसने पिता से मिली हुई वेल्थ को सिर्फ 17 सालों के अंदर 2500 गुना बढ़ा दिया था, इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। असल में मेयर चाहते थे कि नेथन लंदन जाकर उस समय चल रहे अलग अलग वॉर्स को फंडिंग करे, क्योंकि 1792 से लेकर 1815 तक इंग्लैंड सहित पूरा यूरोप एक बहुत ही शक्तिशाली फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट के साथ जंग लड़ रहा था। अपने फायदे के लिए रॉथचाइल्ड ने इस वॉर को बखूबी इस्तेमाल किया। वो गवर्नमेंट्स को फंडिंग करने लगे ताकि वो युद्ध के लिए हथियार या बाकी की जरूरी चीजें खरीद सके। अब वॉर के दौरान फंडिंग पाना किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि अगर वो हार गए तो इसमें लेंडर के सारे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन रॉथचाइल्ड इस रिस्क को लेने की हिम्मत रखते थे, पर बाकी के लोन्स के कंपेयर में वो इन पैसों पर कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे। गवर्नमेंट के पास इनसे पैसे लेने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं, इसलिए वो इनसे लोन लेते गए और रॉथचाइल्ड भारी प्रॉफिट कमाते गए। साल 1815 में अकेले रॉथचाइल्ड ने ब्रिटेन को 9.8 मिलियन पाउंड का लोन दिया था, जो उस वक्त एक ह्यूज अमाउंट होता था। इस वॉर में उन्होंने एक ऐसी नई स्ट्रेटजी को अपनाया था जिसने उनका प्रॉफिट और भी कई गुना बढ़ा दिया था। एक्चुअली रॉथचाइल्ड ने एक ऐसी टीम बना रखी थी जो वॉर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इंग्लैंड से पहले इन्हें देती थी। उसी दौरान 18 जून को हुए बैटल ऑफ वॉटलो से उन्हें खबर मिलती है कि नेपोलियन ये वॉर हार चुका है। अब जैसा कि रॉथचाइल्ड ने ब्रिटिश मिलिट्री को फंडिंग की थी, तो ऐसे में ये जीत उन्हें काफी फायदा पहुंचाने वाला था। लेकिन नेथन रॉथचाइल्ड ठहरे एक अल्ट्रा लीजेंड आदमी, इसलिए उन्होंने ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि ब्रिटेन ये जंग हार चुका है और ब्रिटिश स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाला है। इस खबर के फैलते ही पूरे इंग्लैंड में अफरा तफरी का माहौल बन गया एंड इनकी बातों पर लोग और भी स्ट्रांगली बिलीव करें, इसके लिए इन्होंने अपने कुछ शेयर्स भी बेच दिए। स्टॉक मार्केट क्रैश की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में लोगों ने अपने सारे शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया था। नेथन रॉथचाइल्ड इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं। जब सभी लोग अपना पैसा निकाल रहे थे तो उसने एक ह्यूज अमाउंट ब्रिटिश स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। कुछ समय बाद जब लोगों तक ब्रिटेन की जीत की खबर पहुंचती है तो स्टॉक मार्केट वापस से ग्रो करने लगता है और इससे रॉथचाइल्ड को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस तरह सिर्फ 17 सालों में इन्होंने अपनी वेल्थ को 2500 गुना तक बढ़ा लिया था। नंबर्स की बात करें तो मेयर ने नेथन को 20,000 पाउंड्स का स्टेक दिया था, जिसे बढ़ाकर इन्होंने 5 करोड़ पाउंड्स कर दिया था। लेकिन इस वेल्थ को बनाने के लिए नेथन रॉथचाइल्ड ने अपने सबसे करीबी लोगों को भी धोखा दिया था। उन पर आंख बंद करके यकीन करने वाले लोगों में यूरोप प्रिंस विलियम ऑफ हैश भी शामिल थे।
एक्चुअली 1813 में नेपोलियन ने जर्मनी पर भी हमला किया था, लेकिन जर्मनी की हार के बाद विलियम ऑफ हेस को कुछ समय के लिए छिप छिप कर रहना पड़ा। उसी दौरान उन्होंने लंदन में नेथन रॉथचाइल्ड के पास 550,000 पाउंड भेजे, जो कि आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बराबर हैं। विलियम ऑफ हेस ने साथ में एक खबर भी भेजा था कि रॉथचाइल्ड इन पैसों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे, लेकिन रॉथचाइल्ड ने इन पैसों को इन्वेस्ट करने की जगह खुद के पर्पस में यूज करना शुरू कर दिया था, जैसे कि वॉर के लिए फंडिंग करना। जब नेपोलियन को ब्रिटेन के हाथों जंग में हार मिल गई, तो कुछ समय के बाद विलियम ऑफ हेस ने भी अपने राज्य में वापसी कर ली और उस वक्त उन्होंने रॉथचाइल्ड से अपना पैसा वापस मांगा। अब रॉथचाइल्ड ने विलियम के पैसे तो रिटर्न कर दिए थे, लेकिन सिर्फ 8% के ब्याज के साथ, जबकि युद्ध जीतने के बाद ब्रिटेन की स्टॉक मार्केट इतनी बढ़ चुकी थी कि उस समय थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने वाले लोग भी करोड़पति बन चुके थे। अगर रॉथचाइल्ड ने इन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाया होता तो विलियम का अच्छा खासा प्रॉफिट होता। खैर 19 सेंचुरी तक रॉथचाइल्ड ने अपने बैंकिंग सिस्टम को पूरे यूरोप में फैला लिया था। उसी दौरान उन्होंने नोटिस किया कि पूरे यूरोप में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ चुका है। अब इनके पास पैसे तो पहले से ही थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम हर तरह के सेक्टर्स में अपने कारोबार को बढ़ाते जाएं। उस समय इन्होंने देखा कि ऑयल इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल माइनिंग जैसे बिजनेसेस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और इसलिए इन्होंने इन सेक्टर्स में भी पैसे डालने शुरू कर दिए। इन्होंने अजरबैजान में मौजूद दुनिया के पहले तेल के कुएं में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। साथ ही यूरोप की रेलवे लाइन में भी फंडिंग करी, पूरे यूरोप में जगह जगह पोर्ट्स बनाए और कई देशों की गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर रोड कंस्ट्रक्शन का भी काम करने लगे। यूरोप के बाकी देशों की तरह ब्रिटेन पर भी रॉथचाइल्ड का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, जिसकी मदद से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को अपने हाथों में ले लिया था, जैसे कि 1859 में इजिप्ट के अंदर स्वेज कनाल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। तब ब्रिटेन को पता था कि ये रूट व्यापार की डेफिनेशन को बहुत ही आसान कर देगा, क्योंकि ये रूट एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ने वाला था। इसलिए ब्रिटेन चाहता था कि इस रूट में उसकी भी हिस्सेदारी हो, लेकिन इजिप्ट के सुल्तान सईद पाशा की ब्रिटेन से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए स्वेज कनाल को हासिल करना ब्रिटेन के लिए एक सपना सा रह गया। 1869 में फाइनली स्वेज कनाल का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, लेकिन इसके 6 साल बाद इजिप्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझने लगा और इसने इस कनाल में अपने शेयर्स को बेचने का मन बना लिया था। अब ब्रिटेन तो पहले से ही इस पर नजर गड़ा के बैठा हुआ था, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो इजिप्ट के इन शेयर्स को खरीद सके। अब इससे पहले कि कोई और देश इस कनाल में अपने शेयर्स को खरीदे, रॉथचाइल्ड ने तेजी दिखाकर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के 5 मिलियन पाउंड का लोन दे दिया था। दोस्तों 1893 में जब यूएस के अंदर गोल्ड क्राइसिस चल रहा था, तब वहाँ की गवर्नमेंट ने जेपी मॉर्गन से कांटेक्ट करके कहा कि वो जल्द से जल्द गोल्ड का इंतजाम करे। अब ये कोई 10-20 किलो सोना तो था नहीं, गवर्नमेंट ने 1,00,000 किलो सोने की मांग की थी, जो कि इस क्राइसिस वाली कंडीशन में नामुमकिन था। काफी सोच विचार के बाद उन्हें समझ आया कि दुनिया में सिर्फ एक ही फैमिली है जो इस डिमांड को पूरा कर सकती है, जो थी रॉथचाइल्ड फैमिली। रॉथचाइल्ड के पास मानो कोई सुपर पावर मौजूद हो, क्योंकि ये पहले से ही फ्यूचर डिमांड और मार्केट को प्रेडिक्ट कर लेते थे। रॉथचाइल्ड पहले ही गोल्ड और सिल्वर माइनिंग के बिजनेस में घुस चुके थे, इसलिए इतने सारे गोल्ड का इंतजाम करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे में कुछ ही समय के अंदर इन्होंने जेपी मॉर्गन को वो सोना सौंप दिया। जिस तरह से आज कोई भी देश जब किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरता है तो वो IMF से लोन मांगता है, वही पहले के टाइम रॉथचाइल्ड उन्हें लोन दिया करता था। कमाल की बात यह है कि कई बार उन देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह भी रॉथचाइल्ड फैमिली ही हुआ करती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई स्टॉक मार्केट क्रैश होती थी तो उसके पीछे इन्हीं का हाथ होता था और पूरे पूरे देश को क्राइसिस में ढकेल कर ये खुद प्रॉफिट कमा जाते थे। अपने इसी तरह के बिजनेसेस, कनेक्शंस और स्ट्रेटजीज की वजह से ये पिछले 200 सालों से यूरोप को कंट्रोल कर रहे हैं। आज इनके परिवार में 100 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से इलोन मस्क, मुकेश अंबानी या वॉरेन बफेट जैसे बिलियनर्स हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, उस तरह इनमें से कोई भी नजर नहीं आता। यहाँ तक कि अगर कुछ लोगों से पूछा जाए कि क्या आप रॉथचाइल्ड को जानते हो, तो उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका जवाब हाँ होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि ये फैमिली अभी अभी लोगों के लिए एक सीक्रेट बनी है, बल्कि शुरुआत से ही ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ को छुपाते आए हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी ब्लड मैरिजेस। असल में जब मेयर एम्शल रॉथचाइल्ड की डेथ होने वाली थी, तो उस समय वो अपनी आने वाले जनरेशंस के लिए एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन छोड़ गए थे कि उन्हें अपने बिजनेस को कैसे संभालना है। इसमें एक तो था कि इस कारोबार में कभी भी घर की महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं होगी,
फैमिली का हेड हमेशा एक मेल होगा, साथ ही उनका फॉर्चून फैमिली के अंदर ही होगा। इसके लिए उन्होंने एक नया रूल बनाया कि उनके बच्चों की शादियां फर्स्ट या सेकंड कजन से ही होंगी, ताकि घर के अंदर बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना हो सके। मेयर के इस फैसले के बाद 1824 से लेकर 1877 तक उनकी फैमिली में कुल 36 शादियां हुई थी, और उनकी इच्छा के अनुसार इनमें से 30 शादियां फैमिली के अंदर ही हुई। तो सवाल ये उठता है कि अब इनके परिवार में कौन कौन से लोग बचे हैं। तो देखो, रॉथस्चाइल्ड फैमिली इतनी पुरानी है कि अब इनके परिवार में 100 से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं, जिनके बारे में एक एक करके बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एक बेसिक ओवरव्यू लें तो कुछ समय पहले तक इंग्लैंड वाली फैमिली के हेड थे जैकोब रॉथस्चाइल्ड, जिनके 26 फरवरी 2024 को डेथ हो गई, जिसके बाद जैकोब के बेटे नेथानियल रॉथस्चाइल्ड फैमिली हेड बनते हैं, जो इस वक्त स्विट्जरलैंड में रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वोलेक्स PLC के CEO हैं। इसके बाद आते हैं एनम रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अलेक्जेंडर दी रॉथस्चाइल्ड, जो 2008 में फैमिली बिजनेस संभालने से पहले हांगकांग के मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी जॉर्डन मैथेसन में काम कर चुके हैं। इसी फैमिली के डेविड मेयर दी रॉथस्चाइल्ड एक ब्रिटिश एडवेंचरर, एनवायरमेंटलिस्ट और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जो खानदानी बिजनेस को एक नए सेक्टर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर 2023 तक रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास $20 ट्रिलियन की नेट वैल्यू थी। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि आखिर इतनी वेल्थ होने के बाद भी रॉथस्चाइल्ड का कोई भी मेंबर बिलियनर्स की लिस्ट में नजर क्यों नहीं आता। दोस्तों, इसका जवाब है इस फैमिली का इतना बड़ा साइज। आज रॉथस्चाइल्ड फैमिली में 100 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं, जिस वजह से इन सब की नेटवर्थ बटने के बाद काफी कम हो जाती है। यही रीजन है कि दिसंबर 2023 में फोर्ब्स ने इसे दुनिया की सबसे वेल्थी फैमिली के लिस्ट में तो टॉप पर रखा था, लेकिन इनमें से एक भी मेंबर रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना सका। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि एक वक्त इन्हीं की तरह JP Morgan ने कैसे अपने पावर के दम पर पूरे अमेरिका पर कब्जा जमा चुका था, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।